Audio Jungle. तो दोस्तों एंड्रॉयड मोडिंग कस्टमाइजेशन और अपडेटिंग टिप्स ट्रिक के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और लेटेस्ट जानकारी पाते रहें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेक एंड्रॉयड हिंदी में। तो दोस्तों आज जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ GS7 के कुछ हिडन फीचर जो कि नॉगट में आया है GS7 2016 में। दोस्तों जैसा कि नोगट अपडेट इसका तो आपको पता ही होगा कि आ गया, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फीचर हैं कुछ लोगों को इस बारे में नहीं पता है। जैसे कि आपको तो पता है कि नोगट में पहले तो मल्टी विंडो आता है, तो मल्टी विंडो वाला फीचर तो हर कोई यूज करता है। जैसे ये रिसेंट टैब को आप डुअल कर सकते हैं, इसका फीचर तो मान लीजिए ये सब कोई यूज करता है, ये सब कोई जानता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हर एप्लीकेशन को आप मान लीजिए इसमें 5-6 एप्लीकेशन को आप पिन कर सकते हैं एक साथ। जैसे कि मैं दिखा दूं, जैसे आप सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको एडवांस फीचर का ऑप्शन आपको मिलता है। एडवांस फीचर में जाने के बाद यहाँ पे मल्टी विंडो है, तो मल्टी विंडो में जब जाइएगा तो यहाँ पे जैसे पॉपअप व्यू एक्शन है, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूं पॉपअप व्यू एक्शन, जैसे मान लीजिए ये एप्लीकेशन है, इसे आपको पॉपअप व्यू में करना है तो आपको कॉर्नर से नीचे स्वाइप करना है। जब आप कॉर्नर से नीचे स्वाइप करेंगे तो इसको सेफ ढंग से यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, आपको कॉर्नर से नीचे आपको स्वाइप करना है। तो इस तरह से देख सकते हैं ये जो है एक विंडो में बन चुका है, और उसके बाद जो है इसे आप मूव कर सकते हैं, इसे छोटा बड़ा आप जितना चाहें उतना यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है बहुत सारा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। जैसे ये छोटा मैं इसे कर रहा हूँ तो ये जो है छोटा भी हो चुका है। तो मान लीजिए ये म्यूजिक भी चलता रहेगा, यहाँ से जैसे म्यूजिक ये चल रहा है, और ये इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेटर को मैंने ओपन किया, तो ये कैलकुलेटर को भी आप छोटा कर सकते हैं। यहाँ से आपको कॉर्नर से नीचे स्वाइप करना पड़ेगा। जैसे देख सकते हैं ये कैलकुलेटर भी ये छोटा बन चुका है, छोटे आइकन में एक पॉपअप व्यू में। तो मतलब ये जो है काफी मुझे ये बेहतर फीचर लगा, मतलब कि यहाँ पे आप 5-6 एप्लीकेशन को जो है आप यहाँ पे इजली तरह से पॉपअप विंडो में ला सकते हैं, उसके बाद जो है कहीं भी मूव करके जो आप इजली से इधर उधर कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो मतलब ये काफी मुझे अच्छा फीचर लगा। उसके बाद जो है इसके बाद जो जैसे ये फीचर मैंने बताया, ये जो आप बहुत सारे एप्लीकेशन को भी पॉपअप कर सकते हैं अपने J7 में। और तो इसके बाद जो है मैं अगली फीचर की बात करूं तो वो है यहाँ से आप इसको कट भी कर सकते हैं। तो अगली फीचर सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे एडवांस फीचर है, तो ये गेम का ऑप्शन मिलता है पहले आपको। दोस्तों ये गेम को जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको गेम टूल का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों अगर जो आप गेम टूल को इनेबल करके रखते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप कोई भी गेम करते हैं, एस्फाल्टेट या फिर सबवे सर्फर या फिर कोई भी गेम खेलते हैं, तो आप आपको गेम को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब कि आप बिना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के आप उस गेम को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसे आप यूट्यूब पे शेयर करना चाहें या फिर कहीं भी शेयर करना चाहें तो उसे आप इजली तरह से उसी गेम को सेंड कर सकते हैं, बस अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके। तो गेम टूल का यही ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगली फीचर की बात करें तो वो है यहाँ पे आपको जैसे सेटिंग में फिर से जाते हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एडवांस फीचर, यहाँ पे क्विक लॉन्च कैमरा। दोस्तों जब आप होम की को जब तीन बार आप दो बार लगातार कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो एक कैमरा ओपन हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं दो बार क्लिक करने के बाद ये कैमरा ओपन हो जाता है। तो ये भी काफी अच्छा फीचर है, इमरजेंसी में आप डुअल टैप करके आप कैमरा को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि स्टेटस बार भी, स्टेटस बार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे मैं बता दूं जब स्टेटस बार ओपन करते हैं, जब नीचे करते हैं तो यह 3 डॉट आता है, तो इस पर क्लिक करने के बाद बटन ग्रीड ये मतलब आप ये छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 4 का ये कॉलम आपको पसंद नहीं आता है तो आप 5 का भी कर सकते हैं। जैसे मैं 5 का यहाँ पे दिखा दूं, जैसे देख सकते हैं 5-5 आइकन जो है यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप जितना आपको पसंद आता है बटन ग्रीड आप उतना रख सकते हैं। तो ये भी इसका भी आप यूज करके कस्टमाइज करके आप जो है इसी तरह से और भी स्मार्ट लुक देख सकते हैं, अपने एंड्रॉयड को दे सकते हैं। तो बस यही थी J7 2016 की कुछ टिप्स ट्रिक। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो आपको यहाँ पे रेड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बेल आइकन आएगा तो उस पर क्लिक कर लें। उससे जो है कि आपको जब भी मैं कभी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यहाँ पे लाइक बटन पे क्लिक कर दें और यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं अगर जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो।